एलियंस का वजूद हमेशा से इंसान को रोमांचित करता रहा है। एलियंस से जुड़े कई रहस्य और मिथ हमारी धरती पर अनोखी संरचनाओं में मौजूद है, लेकिन इसका स्पष्ट प्रमाण आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। इन्हीं बातों को जानने और अंतरिक्ष के कई और रहस्यों को खोजने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, जो 4 साल बाद पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। इस टेलीस्कोप को साउथ अमेरिका के देश चिली में बनाया जा रहा है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में मौजूद सेरो आर्माजोन्स पहाड़ के ऊपर इसकी संरचना बन रही है। उम्मीद है कि 4 साल बाद यानी 2028 में ये टेलीस्कोप पहली बार अपना काम शुरू करेगा। फिलहाल गुंबद के ऊपर का सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है, साथ ही प्राइमरी मिरर के लिए सपोर्ट भी लगाया जा रहा है। टेलीस्कोप का जहां से हिस्सा खुलेगा और बंद होगा, वहीं से टेलीस्कोप अंतरिक्ष में नजर रखेगा। ये टेलीस्कोप दूसरी दुनिया के ग्रहों की खोज करेगा और सौर मंडल की स्टडी में हेल्प करेगा। साथ ही पुरानी आकाश गंगाओं की खोज करेगा जो बिग बैंग या उससे पहले बनी है। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT का प्राइमरी मिरर 128 फीट चौड़ा होगा। प्राइमरी मिरर बनाने के लिए 798 दृष्टिकोण वाले कांच जोड़े गए हैं। इसका वजन करीब 200 टन होगा। टेलीस्कोप को सेट करने के लिए गुंबद के अंदर बड़ी बड़ी क्रेन और गाड़ियां लगी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेगमेंटेड मिरर है जिसे किसी टेलीस्कोप के लिए बनाया जा रहा है। ELT में कुल मिलाकर 5 मिरर होंगे। सबके अलग अलग आकार होंगे, सबका अलग साइज होगा, सबका अलग अलग काम भी होगा, ताकि ये अंतरिक्ष के बारे में बारीकी से पता लगा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए आर भारत के साथ।